तो SSC GD वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के आना, क्योंकि मैंने SSC GD 2021 का पूरा प्रोसेस मैंने देखा हुआ है। हर एक पॉइंट पे रिटेन से लेके मेडिकल तक, मेडिकल कैसे क्वालिफाई किया जाता है, हर एक चीज़ मैं से गुजर चुका हूँ। और जो लोग पहले से जानते हैं उनको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, है ना। और उसका रनिंग, उसका मेडिकल, उसका फिजिकल एक्सपीरियंस सारा मैंने देखा हुआ है और आप देख भी पा रहे हो। और एक वीडियो मैंने बनाई थी कि रनिंग पास करने के बाद, मेडिकल पास करने के बाद, एक मैंने वीडियो बनाई थी, एकदम ग्राउंड से ही मैंने वीडियो बनाई थी, एकदम लाइव। आप उस पर देखना, लगभग उसको 1,00,000 बच्चे देखने वाले हैं उस वीडियो को, है ना। 95,000 प्लस बच्चे उसको देख चुके हैं। कमेंट भाई, कमेंट बहुत तगड़े उस पर आते हैं बच्चों के, प्रॉपर रिस्पॉन्स भी देता हूँ। तो आप उस एक बार वीडियो, उस वीडियो को जाके देख लेना, शायद मैं वो उस तरह का वीडियो कभी दोबारा इतिहास में नहीं बना पाऊंगा। वो वीडियो इतने दिल से बनी हुई है, इतने अच्छे तरीके से मैंने बनाया है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको एक बार जाके जरूर, मेरी कोई से भी वीडियोस देखा उसको एक बार जाके देख लेना। अगर जा रहे हो SSC GD के रनिंग के लिए, मेडिकल के लिए, तो प्लीज़ उसको जरूर देख लेना। उस वीडियो को देखने के बाद 2022 में बहुत सारे बच्चों की रनिंग निकली थी, मेडिकल क्लियर करे थे। वो वीडियो इसी चैनल पर पड़ी हुई है, ठीक है। 1,00,000 देखने वाला, उस वीडियो को अभी जाके देखना। मुझे उसके अलावा कोई सिंगल ऐसा एक वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी आज तक। तुम लोग को ये उनकी रनिंग कैसे करनी है, कैसे रनिंग निकालनी है, कैसे फिट होना है, एवरी मैं पे हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। बात करूँ SSC GD के रिजल्ट के लेके और उसके कट ऑफ को लेके, तो देखो मैंने जो अनुभव किया है SSC GD 2021 से, उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। चुनाव की वजह से काफ़ी सारा डिले हो चुका है, तो आप बस तैयार रहिए। और इसका फिजिकल बहुत आसान नहीं होता है, फिजिकल के लिए आप, अगर आपको लगता है कि आपके स्कोर, देखो मैं अगर मैं बात करूं, देखो मैं बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, और तो वहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी करती है ना। आप देखोगे कि 100 नंबर पाने वाला बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, 120 नंबर, 130 नंबर पाने वाला बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से नहीं था, वो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से था, वो नक्सल से नहीं था, वो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से था। इसकी वजह से भी कट ऑफ वो बच्चे जो क्लियर करे रहते हैं, मतलब बहुत अच्छे स्कोर होते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये सब केसेस भी मैंने बहुत सारे देखे हुए हैं। तो ये तो अगर आप कभी GD का इसके पहले दिए होगे तो आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी होगी। जो नए बच्चे हैं उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो फाइनली मैं अगर बात करूँ रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी आने वाला है। इसका कोई मैं आपको फिक्स डेट नहीं बताऊंगा, बट आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं आपके सामने ये आके नहीं बोल सकता कि भैया फालतू में ये वाली डेट पर आ जाएगा, वो वाली डेट पर आ जाएगा, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। तो मैं सीधे बता रहा हूँ, आपका रिजल्ट आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, विद इन ए वीक या विद इन ए 2 वीक कभी भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट के लिए आप बहुत चिंता मत करो। हाँ, अगर मैं एक स्कोर की बात करूँ, एक कट ऑफ की बात, मैं तीन तरीके के इसमें चीज़ों को लेकर चलूंगा। तीन तरीके की मतलब, एक ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में ऐसे स्टेट्स जिनकी कट ऑफ हाई रहती है, जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, इस तरीके से जो स्टेट्स होते हैं जिनकी कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है। और सेकेंड एक मीडियम स्टेट वाला होता है, जो मैंने बी में रखा हुआ है। और थर्ड लोवेस्ट कट ऑफ जोन, जैसे त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, इस टाइप के, जम्मू कश्मीर हो गया, जहाँ पे लोग कम जाना चाहते हैं, यहाँ के बच्चे अभी उतना अवेयर नहीं है गवर्नमेंट जॉब को लेके, ठीक है, या फिर साउथ का कोई स्टेट उठा लो, इस तरीके के कट ऑफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे लोवेस्ट कट ऑफ जोन है। मैं बात करता हूँ अगर ए कैटेगरी वालों का, जिसमें कि UP, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे स्टेट्स आते हैं जिसकी कट ऑफ हाई रहती है। तो भाई एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हाँ एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, आपकी देखना, आपके लगभग सीट भी काफ़ी अच्छी खासी बड़ी हुई है, और सीट उसी में बड़ी हुई है जितने के बच्चे अप्लाई करे थे, कोई इसमें नया बच्चा नहीं आया है, उसी बच्चों में सीट बढ़ गई है। तो जाहिर सी बात है कंपटीशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम होगा, कम क्या, बहुत अच्छा खासा कम होगा। और जहाँ पे कट ऑफ आपकी लगनी चाहिए थी 70% पे, 75% पे, वही कट ऑफ आपकी लगेगी 65% पे, करीब करीब आपको 10% का अंतर देखने को मिल जाएगा, यानी 10 से 15 या 16 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा, घटती हुई कट ऑफ नज़र आएगी। तो जो कट ऑफ लोग बता रहे थे कि कहीं 120 जाएगी, 125 जाएगी, वो कट ऑफ आपको 110 या 108 पे देखने को मिल सकती है, ऐसा पूरा पूरा पॉसिबिलिटीज है। मैं एक सिंपल आपको आइडिया बताऊं, जो बच्चे थोड़ा भी पढ़े लिखे होंगे, मेरी बात को समझ रहे होंगे, वो इस चीज़ को बेहद ध्यान रखना कि अगर आपकी स्कोर 100% में, अगर आपने 70% स्कोर किया हुआ है अपने पेपर में सीट होने के बावजूद, तो निश्चित है कि आपको फिजिकल के लिए कॉल करा जाएगा, आपको कोई भी नहीं रोकने वाला है, ठीक है। आप अगर 70% स्कोर किए, यानी 100 में 70, अगर मैं 160 की बात करूँ तो 16 साथ 112 है, 112 प्लस आपका स्कोर है, 70 से 75% आप स्कोर किए जनरल कैटेगरी से, हाई स्टेट कट ऑफ, ट्रेड जोन वाले जो होते हैं, UP, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे जो स्टेट हो, तो नो डाउट को फिजिकल भी आ जाएगा, ऐसा कैटेगरी लेना जैसे पिछले तरीके से है। तो बस ये है। और बाकी बी कैटेगरी वाले
उनको आप ये मान से 55% और जो सी वाले हैं उनका वो मान के जो 30-40%, इतने पे ही उनका सिलेक्शन हो जाता है, मैंने देखा है। बाकी अक्सर इनकी कट ऑफ तो काफ़ी कम जाती है, इनकी कट ऑफ मैं आज तक नहीं बता पाया, ना मैं कभी बताऊँ, वैसा कभी पढ़ लूँगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। एक बच्चा मैथ में 2 नंबर लाया था, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से था, उसका सिलेक्शन हो गया था। सोचो वो मैथ में ABCD भी नहीं जानता होगा, A+B का होल स्क्वायर भी जानूंगा, उसका सिलेक्शन हो गया है। तो बॉर्डर बात यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, तो आपका रिजल्ट विद इन 1 वीक या 2 वीक्स में आ जाएगा। और मैंने कट ऑफ भी बता दिया कि अगर आप जिस स्टेट से हो, जिस जोन से हो, अगर आपके स्कोर 70% से ऊपर है तो आपको निश्चित ही कॉल किया जाएगा। और मैंने SSC GD का फिजिकल अच्छे से निकाला, चाहो तो इस चैनल जुड़ सकते हो, जैसे ही फिजिकल वगैरह की कोई नोटिफिकेशन आती है, रिजल्ट आती है, उसके बाद फिजिकल होगा, या फिर आपको जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे जरूर शेयर करूँ। वीडियो जाके रिक्वेस्ट जरूर आके देखना, चैनल पे पहले तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना आपकी इच्छा हो तो, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।